खबर उज्जैन से। माकड़ोन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की मूर्तियां स्थापित होंगी। दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लिया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने माकड़ोन के दोनों पक्षों के साथ समन्वय बैठक की। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा की मौजूदगी में रविवार को प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में गत दिनों माकड़ोन में हुई घटना से संबंधित दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए कहा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा गत दिनों माकड़ोन में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया। दोनों पक्षों में शांति और आपसी सामंजस्य बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसके अलावा आपसी समन्वय से निर्णय लिया कि माकड़ोन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की मूर्तियां पुनः स्थापित होंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पुनः उसी स्थान पर स्थापित होगी। इसके अलावा माकड़ोन के बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा, आने वाले समय में गत दिनों हुई घटना के लिए जिम्मेदार शरारती तत्वों और वैमनस्य फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनके नाम दोनों पक्षों द्वारा पुलिस विभाग को दिए गए। जानकारी में बताया कि पुलिस द्वारा माकड़ोन में निरंतर पेट्रोलिंग जारी। दोनों पक्ष पुलिस विभाग और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। जिन प्रकरणों में विवेचना चल रही है नियमानुसार कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी श्री नितेश भार्गव को नियुक्त किया गया, माकड़ोन में उपस्थित रहेंगे। आने वाले समय में माकड़ोन में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। माकड़ोन में मूर्ति की स्थापना प्रक्रिया प्रशासन की ओर से नियमानुसार की जाएगी। बैठक में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाई गई। विवाद के अंत की घोषणा भी की गई। किरण बढ़िया, अध्यक्ष पाटीदार समाज माकड़ोन। विगत दिनों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्व ने तोड़ दी गई थी, उस संदर्भ में आज माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दोनों पक्ष की उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई और आपसी सामंजस्य से यह तय किया गया है कि जैसे पूर्व की तरह माकड़ोन में एक मिसाल दी जाती थी है सर्व समाज एकता से रहने की, उस प्रकार फिर से सामंजस्य बनाया गया है और तय किया गया है कि जहां विवादित जगह पर मूर्ति तोड़ी गई थी वहां पर पुनः सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जाएगी और जब डॉक्टर अंबेडकर साहब का बस स्टैंड है वहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। ये सर्वसम्मति से तय हुआ है और मैं सभी दोनों पक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा इसी प्रकार का सामंजस्य बना रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर एल परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष, उज्जैन। दरअसल जिस तरह से ये देश जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी है, जिस तरह से उन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण किया और 3 रियासतें जो एकीकरण नहीं हो रही थी उनको भी जबरदस्ती एकीकरण किया, तो ये उनकी महानता है और उन महानता को नमन करते हुए हम ये चाहते थे कि पाटीदार समाज और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मिलकर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाए। और आज ये सर्वमान्यति से तय हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा माँ जो है बाबा साहब बस स्टैंड के अंदर लगेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है चौराहे पर लगेगी। ये सर्वमान्य से हुआ है और जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों के खिलाफ, वो दोनों पक्षों के खिलाफ संवैधानिक ढांचे में लेकर कलेक्टर और एसपी उनसे मदद करेंगे और उसमें उसका निराकरण हो जाएगा। इस तरह से सबको न्याय और सबका विकास होगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। और माकड़ोन समृद्ध बने, शक्तिशाली बने और देश में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को गिराते हुए दिखाया गया है वो हमें अपमानजनक महसूस हो रहा, तो पुनर्स्थापना हो। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि राम जो है अग्नि भी है और ऊर्जा भी है, तो अग्नि की जो राम की ऊर्जा है वो पूरे समाज में फैले, वो किसी जाति का भेदभाव नहीं करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। सबको मंगल कामना। जय भीम, जय भारत और जय सरदार भाई पटेल। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।